तेज बम धमाका हुआ और आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। लेकिन धुएं की तकलीफ से दो चार एक पिता अपनी आंखों को मलते हुए इस घने धुएं के बीच कुछ देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी उस पिता की है जिसने एक मलबे में अपनी जान के टुकड़े मासूम बच्चे को जख्मी हालात में पाया। इस चीखते हुए पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि धुएं का गुबार छटने के बाद पसरे सन्नाटे में से कोई आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि इस विस्फोट में उसकी जान का टुकड़ा गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद निढाल हो चुका था। ये एक जीती जागती मिसाल जरूर है, लेकिन इजराइल हमास के बीच संघर्ष का असर सैकड़ों मासूम जिंदगियों पर पड़ रहा है। युद्ध की जद में आए इलाकों से हर दिन दर्दनाक और कपा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी उन्हीं भयावह और दर्दनाक तस्वीरों का हिस्सा है। हमास के रॉकेट हमलों से इस इजरायली शख्स दीमा का घर मलबे में तब्दील हो गया। इस हमले में उनका 2 साल का बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। दीमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके परिवार को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। I'm sleeping in the racket in house. So you injured after that? My children not beseda. Okay. So not good. Not good. So entire house was destroyed? Yeah. It's what is this strike? Yeah, in strike. अब दीमा गाजा को दंडित करने के लिए अपने देश के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का समर्थन कर रहा है और अपने इस दर्द का बदला चाहता है। बता दें कि इजराइल और गाजा पट्टी में हजारों लोग उसी दर्द से पीड़ित हैं जिससे दीमा और उनका